नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग एंड विंड लोडिंग की। तो पहले हम आइस लोडिंग की बात कर लेते हैं। आइस लोडिंग, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर पे यदि आइस लोडिंग हो जाएगा तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ उसका सैग में क्या चेंज आएगा, वो हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेंगे आइस लोडिंग को। आइस लोडिंग के चलते सैग में क्या चेंज आएगा? तो सपोज ये कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, कंडक्टर का डाया है डी और उस पे आइस फॉर्म्ड है टी विड्थ का, टी मोटाई का आइस, चारों तरफ आइस का कोटिंग फॉर्म्ड है। तो इस तरह से कंडक्टर दिखेगा आइस के साथ, जहां की जो हैस्ट लाइन है, जो शेडेड लाइन है, वो आइस फॉर्मेशन को शो कर रहा है। और ये है कंडक्टर का साइड व्यू। साइड व्यू में जो हैस्ट लाइन है टी मोटाई का, वो शो कर रहा है आइस को और डी है कंडक्टर, और हमने 1 मीटर कंडक्टर को लिया है, यूनिट मीटर कंडक्टर को लिया है। तो साइड व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि सैग इन लाइन विदाउट आइस, जब आइस नहीं होता तब सैग कितना होता। ये सैग कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? S इज इक्वल टू W L स्क्वायर अपॉन 8T। यदि X लिखते तो यहां पे लिखते W X स्क्वायर अपॉन 2t लिखते, क्लियर। तो यहां पे हम सैग लिख रहे हैं, सैग का मेन कंपोनेंट है W, तो W वेरी हो जाएगा वेट ऑफ आइस, आइस के चलते कंडक्टर पे जो टोटल वेट है वो चेंज हो जाएगा। इसको सपोज हम लिखते हैं W को WC, WC है खाली खाली कंडक्टर का वेट। अब सैग इन लाइन विथ आइस फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई एल स्क्वायर अपॉन 8t हो जाएगा। अभी हमें डब्ल्यू आई कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू सी तो पहले से ही पता है, डब्ल्यू आई कैलकुलेट करना है। ये डब्ल्यू आई क्या है? वेट या मास, दोनों में अंतर है जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू है 9.8। तो यहां हम वेट का मतलब सीधा सीधा मास से है, केजी में लिखते हैं डब्ल्यू को, वेट का मतलब मास ही है। वेट ऑफ आइस ऑन 1 मीटर या फिर यूनिट मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर, यही कैलकुलेट करना है। यदि आइस लोडिंग की बात करें तो डब्ल्यू आई कैलकुलेट करने हमें आना चाहिए। 1 मीटर यूनिट मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर पे जितना आइस जमा है उसका हमें वेट या मास निकालने आना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे निकालेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एरिया की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर लिखे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सर्कल है पूरा लेकिन आर तो दिया हुआ नहीं है, ओनली डी दिया हुआ है, तो क्या होगा? पाई डी अपॉन 2 स्क्वायर, इसका मतलब कि पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इतना मीटर स्क्वायर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर विथ आइस फॉर्मेशन, विथ आइस,
आइस के साथ अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो सिंपली हम डी बाई फोर लिखेंगे और डया तो कितना हो गया, यहां पे आप डया बताओ कितना होगा, डया इज इक्वल टू ओवरऑल डया कितना हो गया, डी प्लस टू टी, इसको आप देखेंगे तो टी नीचे टी ऊपर हो गया, तो डी प्लस टू टी मीटर हो गया डया, तो यहां पे लिख देंगे हम डी प्लस टू टी स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। अब हम बात करें कि आइस आइस का, एरिया ऑफ आइस ऑन कंडक्टर ये कितना होगा, तो दोनों एरिया को हम घटा देंगे तो आइस का एरिया निकल जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ आइस कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर डी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो ये एरिया आइस का एरिया होगा, इसमें हम पाई बाई फोर को कॉमन कर लें तो ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रह जाएगा, आपको खाली डी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, ये कितना आ जाएगा पाई बाई फोर ए प्लस बी मतलब डी प्लस टू टी प्लस डी इंटू डी प्लस टू टी माइनस डी, पाई बाई फोर ये कितना हो जाएगा टू डी प्लस टू टी टू इंटू डी प्लस टी इंटू टू टी, अब ये टू 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 कैंसिल हो जाएगा फोर से, तो बच क्या जाएगा, एरिया ऑफ आइस ऑन कंडक्टर कितना आ गया पाई डी प्लस टी इंटू टी मीटर स्क्वायर, ये आ गया, ये जो आइस आइस का एरिया हमारे पास आ गया। अब इस एरिया से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइस ऑन यूनिट मीटर ऑफ कंडक्टर, एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं हम लेंथ से तो हमें वॉल्यूम मिलता है, तो लेंथ कितना हम ले रहे हैं अभी वन मीटर ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ आइस ऑन यूनिट मीटर ऑफ कंडक्टर कितना आ गया, एरिया जो था पाई डी प्लस टी इंटू वन मीटर, मतलब खाली पाई डी प्लस टी इंटू टी ही रह जाएगा, इतना मीटर क्यों आएगा। अब हम वॉल्यूम से निकालना चाहते हैं क्या, हम इंटरेस्टेड हैं डब्ल्यू आई निकालने में, मतलब मास निकालने में, ये वेट और मास को हम सेम ले रहे हैं यहां पे, डब्ल्यू आई बेसिकली मास ही है, तो यदि हमें डेंसिटी पता है आइस का, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास कैसे निकलेगा, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी, किसका डेंसिटी आइस का डेंसिटी, क्योंकि हम मास भी निकाल रहे हैं आइस का, डब्ल्यू आई निकालना है हमें, डब्ल्यू सी हमें पता ही है, डब्ल्यू आई निकालना है, तो डब्ल्यू आई निकालने के लिए हमें डेंसिटी ऑफ आइस पता होना चाहिए इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो हमने निकाल ही रखा है पाई इंटू डी प्लस टी इंटू टी इंटू वन, तो हमें यदि मास निकालना है या फिर वेट या डब्ल्यू आई निकालना है तो सीधा हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू आई कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम, यूनिट मीटर का वॉल्यूम पाई डी प्लस टी इंटू टी। अब डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है, डेंसिटी ऑफ आइस होता है 912 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर आइस होगा उसका मास कितना होगा 912 केजी, 912 केजी होगा। वाटर की बात कर लें तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर
वॉल्यूम है उसका उसका मास कितना होता है वाटर में, 1000 kg होता है। तो डेंसिटी वाटर का कितना हुआ, 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की बात नहीं कर रहे यहां पे, तो हम आइस की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा वाटर से कम होगा आइस। तो आइस का कितना हो गया डेंसिटी, 912। तो 912 में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई इंटू 912 यह आ गया 2865, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 2870 लिख रहे हैं। 2870 डी प्लस टी इंटू टी, तो ये हमें डब्ल्यू आई निकल के आ गया। अब डब्ल्यू आई निकल के आएगा वो डब्ल्यू आई, अच्छा इस डब्ल्यू आई को हम क्या लिखेंगे, वेट या मास ऑफ आइस, इधर लिखा हुआ है वॉल्यूम लिखा हुआ है, वेट लिख देते हैं, वेट ऑफ आइस ऑन यूनिट मीटर ऑफ कंडक्टर, ये हो गया डब्ल्यू आई। तो डब्ल्यू आई निकल के आ गया, इस डब्ल्यू आई को हम पुट कर देंगे तो सैग निकल जाएगा, तो सैग अब पहले वाले सैग से ज्यादा आएगा क्योंकि हमने डब्ल्यू सी में जोड़ दिया है डब्ल्यू आई को। तो अब हम देखेंगे आइस और विंड लोडिंग दोनों को। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ विंड लोडिंग। तो विंड लोडिंग के इफेक्ट का दो केस है, एक केस है जिसमें कंडक्टर पे कोई आइस एक्यूमुलेशन नहीं है, तो इस केस में कंडक्टर का वेट लगेगा डाउनवर्ड, और वेट ड्यू टू विंड लोडिंग, ये वेट ड्यू टू विंड लोडिंग है डब्ल्यू डब्ल्यू, ये लग रहा है लेटरली कंडक्टर पे, कैसे लग रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू डाउनवर्ड लग रहा है, और ये लग रहा है विंड के डायरेक्शन के अलोंग लेटरल लगेगा, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होगा डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू सी। इसका जो इफेक्टिव वेट होगा डब्ल्यू टी, ये हम सारे वेट कर रहे हैं पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सैग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8H होता है, यहां 8T लिखते हैं, और जब हम x लिखते हैं तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2T लिखते हैं, तो हमें यहां W चाहिए, तो वो ड्यू टू कंडक्टर के वेट के चलते हैं और विंड के लोडिंग के चलते हैं, मतलब ये डब्ल्यू सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये डब्ल्यू डब्ल्यू को निकालेंगे कैसे, यदि गिवन है एयर प्रेशर, एयर प्रेशर तो प्रेशर एक फोर्स है, पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया, तो जी तो कांस्टेंट है, मतलब ये हो गया केजी, इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर स्क्वायर, तो एयर प्रेशर को जनरली केजी पर मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं। तो गिवन दैट एयर प्रेशर इज पी केजी पर मीटर स्क्वायर, तो डब्ल्यू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा पी केजी पर मीटर स्क्वायर। तो अब यूनिट मीटर का, ये यूनिट मीटर का वेट है ड्यू टू विंड, यूनिट मीटर का जो वेट है ड्यू टू विंड वो पी इंटू इसका एरिया हम निकाल लें, तो इसका एरिया कितना होगा डी इंटू वन, इसका मतलब पी इंटू डी होगा क्या डब्ल्यू डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू डब्ल्यू यहां पे डब्ल्यू टी हमें निकालना था, इसमें डब्ल्यू सी तो दिया हुआ है और डब्ल्यू डब्ल्यू कैलकुलेट करना था, तो डब्ल्यू डब्ल्यू हमने निकाल लिया। अब सैग कितना हो जाएगा, सैग ड्यू टू कंडक्टर के वेट और विंड के ब्लो के चलते, विंड लोडिंग के चलते जो इफेक्टिव सैग है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू टी इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8T, या फिर डब्ल्यू टी एक्स स्क्वायर अपॉन 2T। अब ये जो सैग हो गया, ये सैग तो डिफ्लेक्टेड सैग है, ये सैग कैसा है, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टेड सैग। डिफ्लेक्टेड सैग क्यों बोलते हैं,
एक तो कंडक्टर पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और एक कंडक्टर पे साइडवेज फोर्स लग रहा है, और दोनों का जो इफेक्टिव वेट है जिसके चलते कंडक्टर सीधा नीचे की तरफ ना मुड़ के डिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो ये जो सैग आपका निकल के आया एस, ये कैसा सैग है? डिफ्लेक्टेड सैग है। अब हम वर्टिकल सैग की बात करें और ये एंगल यदि थीटा है, सैग तो इस डायरेक्शन में निकल के आया है, तो वर्टिकल सैग कितना होगा? एस कॉस थीटा, जहां की कॉस थीटा कितना है, आप कॉस थीटा यहां से निकालो, कॉस थीटा कितना होगा? डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी होगा, जहां की डब्ल्यू टी कैसे निकाला है आपने, डब्ल्यू टी निकाला है आपने डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, और ये दोनों स्क्वायर्ड है। तो आपने ये वाला सैग निकाल लिया एस कॉस थीटा डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर, इससे इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा विच विल बी वेरी सिंपल। यदि आप ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली ये वाला इसको ध्यान में रखना है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जिसमें आइस लोडिंग और विंड लोडिंग दोनों होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे उसी तरह से ये डब्ल्यू टी होगा, ये डब्ल्यू टी कितना होगा, ये डब्ल्यू टी होगा रूट अंडर डब्ल्यू सी प्लस, अब ये जो डब्ल्यू जो कंडक्टर पे वेट लगेगा वो तो कंडक्टर के वेट और आइस के वेट दोनों का सम होगा, तो डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई स्क्वायर एक डायरेक्शन में प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू दूसरे डायरेक्शन में का स्क्वायर। अब हम डब्ल्यू डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, एयर प्रेशर दिया हुआ है, गिवन एयर प्रेशर इज हाउ मच पी के जी पर मीटर स्क्वायर, क्लियर, इससे डब्ल्यू डब्ल्यू निकल के आ जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू विल बी सिंपली पी इंटू डी, लेकिन यहां पे तो डी नहीं है, अच्छा ये जो डी है वो स्मॉल हमने लिखा है, इसको हम रिप्लेस कर दें कैपिटल से, आप जैसे भी आपका मन है कर सकते हैं, तो इसको कैपिटल भी दिखा सकते हैं। अब यहां पे डया तो डी नहीं है, अब आइस भी है, तो डया कितना है, डी प्लस टू टी है, ये ध्यान रखना है आप। तो डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे करके निकाल लेंगे, फिर हम सैग कैसे निकालेंगे, सैग विल बी, अब जो टोटल इफेक्टिव वेट होगा कंडक्टर पे डब्ल्यू डब्ल्यू भी लग रहा है और डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई भी लग रहा है, तो डब्ल्यू टी कितना हो जाएगा, रूट अंडर डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू डब्ल्यू हमने निकाल ही लिया। और ये जो सैग होगा वो कैसा सैग होगा, ये सैग होगा डिफ्लेक्टेड सैग, ये डब्ल्यू टी के डायरेक्शन में होगा, ये वर्टिकल से थीटा डिग्री डिफ्लेक्टेड होगा। अब हम यदि वर्टिकल सैग निकालना है तो वर्टिकल सैग कितना होगा, वर्टिकल सैग होगा एस कॉस थीटा, एस हमने निकाल लिया तो एस इंटू कॉस थीटा, अब कॉस थीटा कितना होगा, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी क्या है, डब्ल्यू टी है हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा कितना होता है, बेस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई अपॉन रूट अंडर डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई स्क्वायर डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर, ये हो गया वर्टिकल के सैग इन केस ऑफ विंड लोडिंग भी है और आइस लोडिंग है, दोनों है तब। तो धन्यवाद, आगे हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे और एमसीक्यू भी की बात करेंगे।